हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कांचा क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12, नेम इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सो स्टार्टिंग में हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था कि लॉस क्या होते हैं, लॉस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कहाँ कहाँ उसे अप्लाई करते हैं, तो ये सारी ही चीजें हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मींस व्हाट? अगर क्वेश्चन में लिखा आएगा कि आपको क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, सो नो नीड टू सिंप्लीफाई इट। बट अगर जहां लिखा हुआ आगे एक वर्ड सिंप्लीफाई इट मींस यू नीड टू प्रॉपर सॉल्व इट और फाइनल आंसर तक आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर इवैल्यूएट आया मींस व्हाट? यू नीड टू इवैल्यूएट, कंप्लीटली इवैल्यूएट करना और फाइनल आंसर तक आपको लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इज 3 की पावर -2। सो 3 की पावर -2 मींस व्हाट? हियर यू कैन राइट समथिंग टू द पावर नेगेटिव। ठीक है, बेस पे अगर पावर नेगेटिव है तो टर्म का क्या कर देते हैं हम लोग? रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 अपॉन कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, तो इट विल बी 1/3 होल पावर 2। सो विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बिकॉज 1/3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 1/9। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज योर -4 पे आपकी जो पावर है वो -2 है। नाउ नेक्स्ट इज -4 पे -2 पावर। नाउ यू नीड टू टेल द रिजल्ट ऑफ दिस। ओके, सो अगेन डूइंग द सेम थिंग, आपके जो रूल है वो क्या लग रहा है यहाँ पे? a^-1 इज इक्वल टू 1/a^1। ये आइडेंटिटी हम लोग गाइज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/-4 पे पावर 2। सो योर आंसर शुड बी -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का ही स्क्वायर बनके एक नंबर पॉजिटिव बाहर आएगा, और यू कैन से 1/-4 × 1/-4 ऐसा भी लिख सकते हो। 1/4 का क्या हो जाएगा? 16। सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द आंसर। थर्ड क्या हो जाएगा आपका? थर्ड वन इज गिवन टू यू, थर्ड वन इज 1/2 पे पावर कितनी दे रखी है आपको गाइज? यहाँ पे -5 पावर दे रखी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? अगेन टर्म का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1। सो इट इज 2 पे पावर 5, एंड 2 पे पावर 5 कितना होता है? 32 आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज यू नीड टू मल्टीप्लाई टू हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स आप उसे मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 32। क्वेश्चन नंबर 2 सेज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सो व्हाट यू नीड टू डू हियर? यहां पर आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और आपका आंसर किस में रहेगा? योर आंसर शुड बी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो व्हाट यू हैव टू डू? यहां पर हम कौन सा लॉ लगाएंगे? देखिए डिवाइड वाला रहे, बेसिस आर सेम, सो पावर क्या हो जाएगी आपकी? माइनस हो जाएगी। बट द थिंग इज दैट यू नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन That is given in the question कि आपका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में होना चाहिए। सो आइए इसे सॉल्व करते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या लग जाएगी? आपका लॉ क्या लगेगा यहाँ पे? a^m/(a^n) इज इक्वल टू वॉट? a^m-n। ये लॉ हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, किस तरीके से इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। -4 पे पावर 5 / -4 पे पावर 8। This will be equal to what? This will be equal to -4 पे पावर 5 - 8। Because जब भी divide में होता है हमें subtract करना होता है, and you will get -4 पे पावर -3। Now यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो power आ रही है वो क्या आ रही है? आपके जो power notation है means जो power है वो एक negative power है। What you need to do? Term का reciprocal कर दो, it will be 1/-4 पे पावर 3। You need to simplify also. तो simplify का मतलब क्या हो गया? आपको इसको सॉल्व भी करना है, सो योर आंसर शुड बी -1/64। दिस इज योर आंसर। ओके, व्हाट यू हैव टू डू?
यू नीड टू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और माइनस 4 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस का 64. सो योर कंप्लीट आंसर शुड बी माइनस 1 अपॉन 64. इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. यहां पर आओ सेकेंड वाले पार्ट पे आपको दे रखा है 1 अपॉन 2 की पावर 3 पे होल पावर 2. सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर 1 की भी पावर 2 है और 2 पे पावर 3 पे भी पावर 2 है. इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 पे पावर 2 मतलब 1 ही हो गया. इसको कैसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 पे होल पावर 2. एंड एक लॉ हमने पढ़ा था यहाँ पे a की पावर m पे होल पावर n मींस a की पावर m इनटू n. सो व्हाट डू यू हैव टू डू यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पे पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे देखो 3 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा. सो व्हाट डू यू हैव टू डू योर आंसर शुड बी 1 अपॉन 2 पे पावर 6. सो इन दिस वे यू हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड चेक दैट वेदर योर जो पावर नोटेशन आपका आ रहा है वो एक पॉजिटिव नोटेशन में या पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर नहीं आ रहा तो आपको उसे रेसिप्रोकल करके उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. एंड देन यू हैव टू सिंप्लीफाई योर एक्सप्रेशन. हियर ऑल्सो यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस बिकॉज राइट नाउ दिस इज नॉट योर कंप्लीट आंसर. व्हाट यू नीड टू डू यहाँ पे आपका कंप्लीट आंसर कैसे बनेगा जब आप 1 अपॉन 2 की पावर 6 को कंप्लीटली ओपन कर दोगे. सो 2 की पावर 6 इज व्हाट 1 अपॉन 64 इज द आंसर. डू नॉट से कि हाउ ये आंसर कैसे आया. यू नीड टू जस्ट सिंप्लीफाई इट. 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट योर रिजल्ट. योर रिजल्ट व्हेन यू कैलकुलेट दिस तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 64. क्योंकि अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया था कि जो 2 की पावर 5 होता है वो 32 होता है. तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 32. 2 का कितना होता है 64 होता है. तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे. इट इज गिवन है माइनस 3 पे पावर 4. थर्ड पार्ट सेज माइनस 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 पे होल पावर 4. तो सर मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे गाइज. यू कैन कन्वर्ट दिस माइनस 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4. यू कैन राइट इट लाइक दिस. इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है. बट अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे माइनस है यहाँ पे आपका 3 की पावर 4 है. आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो. बट द थिंग इज व्हाट कि आपको माइनस की गलती प्लस की गलती नहीं पता चलेगी. व्हाट यू नीड टू डू यू नीड टू जस्ट सिंप्लीफाई इट. सो माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू 5 पे पावर 4 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू 3 से 3 कैंसिल 3 से 3 3 से 3 3 से 3. ओके. सो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस. सो इफ योर इवन नेगेटिव साइन इज देयर देन द रिजल्ट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. अगर यहां पर 3 नेगेटिव साइन होते तो आंसर नेगेटिव में आता. अगर यहाँ पे 4 नेगेटिव साइन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा. 2 हो 4 हो 6 हो इवन नंबर्स में होंगे तो आपका जो साइन है वो हमेशा क्या निकल के आएगा मल्टीप्लीकेशन रूल के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगा. सो हियर द आंसर शुड बी 5 की पावर 4. एंड 5 की पावर 4 होता क्या है एक्चुअली में. सो आप मल्टीप्लाई करके देख लो 5 को 4 टाइम्स. सो योर 5 5s आर 25, 25 5s आर 125 एंड 125 5s आर 625. सो योर आंसर शुड बी 625 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे. नेक्स्ट आपको दे रखा है 3 की पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई विथ 3 की पावर माइनस का 5. नाउ व्हाट यू हैव टू डू सबसे पहले डिवाइड में आपको दे रखा है तो आप लॉ लगाएंगे डिवाइड वाला a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n. सो व्हाट यू हैव टू डू यू कैन राइट इट लाइक दिस माइनस 7 अपॉन 3 की पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 5. नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस. तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस 7 माइनस ऑफ माइनस का 10. ये चीज ध्यान रखना माइनस ऑफ माइनस 10 होगा. डायरेक्टली माइनस करोगे तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपके डिनोमिनेटर में जो पावर है वो नेगेटिव है. बट हमें सब्ट्रैक्ट करनी है वाली तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा. ये एज इट इज 3 की पावर माइनस 5 एज इट इज आप लिख दोगे. यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 की पावर माइनस 7
प्लस का 10 बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अब यहाँ पे इंटू 3 की पावर -5। स्टेप्स बढ़ रहे हैं दैट डजंट मैटर, बट आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इसीलिए समझाने के लिए स्टेप्स बढ़ा रही हूँ। 10 में से 7 गए, -7 में से 10 जाएंगे तो ये आपका प्लस का 3 बचेगा इंटू योर 3 की पावर -5 हो गया। नाउ बेस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, तो डायरेक्टली एड कर दोगे, सो 3 की पावर 3 प्लस -5। नाउ अगेन यू नीड टू राइट 3 की पावर 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3 की पावर -2। बट यू नीड टू सॉल्व द आंसर इन पॉजिटिव पावर नोटेशन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1/3 पे होल पावर 2 एंड विच इज इक्वल टू वॉट 1/9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/9 बिकॉज यू नीड टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ऑल्सो सो दैट कि आपका जो आंसर है वो प्रॉपर आ जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/9। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। सो नेक्स्ट इज वॉट योर फिफ्थ पार्ट इज 2 की पावर, हियर इट इज रिटन 2 की पावर -3 इंटू योर -7 पे पावर -3। नाउ द लॉ सेज कि यहां पर अगर आपके बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो ये जो अंदर के जो नंबर है, जो बेसिस है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 7 का क्या हो जाएगा, यू नीड टू मल्टीप्लाई 2 into -7 पे होल पावर -3। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहां पर ये कितना हो जाएगा 2 7 14, सो -14 पे आपकी पावर हो जाएगी -3 एंड यू कैन राइट 1/-14 पे होल पावर 3। इस तरीके से टर्म का रेसिप्रोकल कर दोगे बिकॉज आपको जो पावर चाहिए वो एक पॉजिटिव पावर नोटेशन होना चाहिए एक्सपोनेंट का, सो यू नीड टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस 1/-14 into 1/-14 into 1/-14 14 का क्यूब आपको फाइंड करना है, तो 14 का क्यूब कितना हो जाएगा, यू ओनली टेल मी, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट से, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि 14 का क्यूब कितना होता है। ओके आई गॉट द आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 का क्यूब कितना होता है गाइस, 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -2744। सो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 सेज यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, सो यू नीड टू कंप्लीटली फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सो योर फर्स्ट पार्ट इज वॉट 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 into 2 की पावर 2। सो व्हाट डू यू हैव टू डू हियर, इन दिस केस You need to just simplify this expression. So 3 की पावर 0 आपके पास 1 हो जाएगा plus 4 की पावर -1 is what? 1/4 and multiply with 2 की पावर 2. ठीक है? So this you can written 2 की पावर 2 is what? You can write it as 4. 2 की पावर 2 2 2 4 हो जाएगा, तो ये LCM ले लोगे यहाँ पे आप. So this will be 4 LCM आ गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 4 plus 1 into 4 into 4, so 4 plus 1 into 4. So what you need to do here, yeah, LCM लिया, LCM लेके fraction को solve किया, this will comes out to be 5/4 into 4, 4 से 4 cancel, your answer should be 5 here. ठीक है, इस तरीके से आप इसको solve कर लेंगे. Now your second part is what? 2 to the power -1, reciprocal कर दो, 1/2 हो जाएगा, multiply 4 की पावर -1 इज वॉट 1/4 हो जाएगा, डिवाइड करने की बात चल रही है तो डिवाइड एज इट इज रहने दो, बट यहां पर क्या हो रहा है 2 की पावर -2 है, तो 1/2 to the power कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। नाउ यू नीड टू सिंपली सॉल्व द एक्सप्रेशन, सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे 1/8 हो जाएगा विच इज डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2। सो ये कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 1/4 इसे मैं लिख सकती हूँ डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 एंड व्हाट यू हैव टू डू, 1/8 को 1/4 से डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट 1/8 into 4/1, सो 4 2s are, सो योर आंसर शुड बी 1/2। इस तरीके से आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखना 1/8 upon 1/4 मीन्स वॉट, 1/8 as it is, जो डिनोमिनेटर के नीचे जो भी टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाती है,
सो यू विल गेट इनटू 4 बाय 1, 4 2 जा 8, 2 से कैंसिल हुआ और यू विल गेट 1 बाय 2 कंप्लीट आंसर. नाउ योर थर्ड पार्ट इज व्हाट इट इज रिटन इन द क्वेश्चन दैट 1 बाय 2 टू द पावर -2 प्लस 1 बाय 3 टू द पावर -2 प्लस 1 बाय 4 टू द पावर -2. नाउ यू जस्ट रेसिप्रोकल द टर्म टू मेक द पावर पॉजिटिव. 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 2. नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस. 2 की पावर 2 मीन्स वॉट? 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16. So 9 plus 4 is what? 13. Then 13 plus 16 is what? 6 plus 3, 7, 8, 9. This is 29. So your complete answer is what? Your complete answer is 29 over here. So next part is, fourth part is what? 3 to the power minus 1. So we just write this part. What it is written? 3 to the power minus 1. And plus 4 to the power minus 1 plus 5 to the power minus 1 pe whole power 0. Now, if I say ki something to the power 0 is what? Is always equals to 1. So, isse solve karne ki zarurat nahi hai. No need to solve this. If you know this rule that something to the power 0, a to the power 0 is always equals to 1, then directly say that the answer is equals to 1. अब चाहे अंदर आपके 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, एनी नंबर इन दिस ब्रैकेट टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? योर फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज गिवन. सी, -2/3 पे पावर कितनी आपकी? माइनस की 2 है, ठीक है. एंड उस पे भी कितनी पावर है हमारी? उस पे पावर 2 है. So this is the question. Now what do you have to do? You have to just first simply apply the rule. So your rule is what? Yahan pe rule aapka a to the power m pe whole power n is equals to a to the power m into n ho jayega rule aapka. Okay, now what do you have to do? -2/3. Ye powers aapas mein multiply ho jayenge. So it will be -2 into 2. Minus ka 4 ho gaya aapki power. Now you see here. You will see कि यहाँ minus 4 है, means power is negative. What you have to do? Term का reciprocal कर दो, so you will get 3/2 minus का पे power 4. But you need to write the answer completely. You need to just simplify the answer. So what you have to do? -3 पे power 4 है, कितना हो जाएगा? -3 को 4 times multiply कर लो. -3 into -3/2/2/2/2. So your answer should be 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 प्लस का हो जाएगा क्योंकि 4 पावर है, इवन पावर. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16. सो योर आंसर इज 81/16. सो इन दिस वे यू नीड टू जस्ट राइट द सॉल्यूशन एंड देन सिंप्लीफाई द आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉ. सो यू नीड टू फर्स्ट फाइंड द लॉ कि कौन सा लॉ इसमें यूज हो रहा है एंड देन यू विल जस्ट आइडेंटिफाई द लॉ. आफ्टर आइडेंटिफाइंग यू नीड टू कंप्लीटली सॉल्व particular questions. Question number 4 says you need to evaluate your first part is what? 8 to the power minus 1 into 5 ki power 3 divided by 2 ki power minus 4. So what do you need to do here? Just reciprocal the given term. Yahan pe dekho power negative hai to hum sirf shuffle kar denge. Easiest way bata rahi hu. पावर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. ये पावर यहाँ पे नेगेटिव है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगी तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. नाउ 5 की पावर 3 एज इट इज, ठीक है. 2 टू द पावर 4 -4 है, ये डिनोमिनेटर में है, इसको मैं यहाँ शफल कर दू, ठीक है. सो आई विल जस्ट राइट 5 into 5 की पावर 3, 2 टू द पावर 4 एंड 8 की पावर 1. सो वॉट आई हैव टू डू हियर? यहाँ पे मैंने क्या किया? सी, 2 की पावर -4 जो नेगेटिव पावर थी मैंने ऊपर लेके न्यूमरेटर में, ये पावर पॉजिटिव हो गई. 8 की पावर -1 थी न्यूमरेटर में, मैं नीचे लिया, ये क्या हो गई? पावर आपकी पॉजिटिव हो गई. नाउ यू जस्ट सिंप्लीफाई द क्वेश्चन. सो इट इज 2 की पावर 4 into 5 की पावर 3 एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 की टर्म्स में क्या लिखोगे? 2 की पावर की टर्म्स में इट इज 2 की पावर 3. 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3. देन सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन. 2 की पावर 4 upon 2 की पावर 3, इट विल बी 2 की पावर 4 -3 into 5 की पावर 3.
एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, एंड 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 कितना होता है 125, सो 125 टू जा कितना हो जाएगा 250 इज द आंसर. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं हम लोग. सेकेंड पार्ट इज गिवन 5 की पावर माइनस 1 एंड 2 की पावर माइनस 1, सो इट विल बी 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 2, रेसिप्रोकल कर दिया टर्म का एंड मल्टीप्लाई विद टर्म 6 की पावर माइनस 1, which means what, 1 upon 6 only. So 1 upon 5 into 1 upon 2 is 1 upon 5, 2s are 10 ho gaya, into 1 upon 6. So 1 into 1 is numerator ko numerator se multiply kar lo, 1 1s are 1 and 10 6s are 60. This is your answer. So in this way you have to just solve the question. Question number 5 is find the value of m for which the given expression is there. You need to find the value of m. So what do you need to do in question number 5? See guys, this question is quite important from the examination point of view. So yahan se aapko question aane ki jo chances hai ye jo kya hote hai badh jate hai. Aise questions jisme unknown value m ho gaya, x ho gaya, kuch bhi pucha ja sakta hai aapse. So yahan pe hum seekhte hain ki aise questions ko hame kaise deal karna hota hai aur wahi same method aapko har question mein apply karna hai. Iske jaise similar questions mein. So the value is 5 की पावर m divided by 5 की पावर minus 3 which is equal to 5 to the power. What is given here? 5 to the power 5 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है. Now the thing is what, यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है. Whenever the base is same, सबसे पहले तो इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है. किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अगेन सिंपली डिवाइड हो रहा है तो ये 5 अपॉन m and ये 5 to the power minus 3 which is equal to 5 की पावर 5. सिंपली सॉल्व करोगे डिवाइड में है, सो यू कैन राइट 5 की पावर m माइनस ऑफ माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5 की पावर 5. यहाँ पे सिंपल लॉ लगा दिया, a की पावर m अपॉन a की पावर n का. तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर m प्लस 3 बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5 की पावर 5. When your base is same, और ये साइन इक्वल्स टू का साइन आ रहा है. When your base is same, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है. ये लॉ आपको याद रखना है. When your base is same, then the power become equal because base आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं. You know, power become equal means m plus 3 is equals to 5. So your m should be equal to 5. यहाँ पे प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2. So m is equal to 2. M की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी एंड दिस इज योर आंसर. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सिंपली यू नीड टू फाइंड आउट द थिंग दैट यहाँ पर अगर डिवाइड है तो डिवाइड के फॉर्म में सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ऐड कर दोगे पावर्स को, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एक रूल याद रखना है. ये रूल आपको नोट करके रखना है, व्हेनेवर द बेस इज सेम देन द पावर्स बिकम इक्वल. अगर इनके बीच में इक्वल टू का साइन है, देन ओनली यू कैन से दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. तो इसे आपको याद रखना है, अदरवाइज और किसी फॉर्मेट पे एप्लीकेबल नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट. Now you need to evaluate the given expression and find the value of this given expression. So first is what? Your first is 1 by 3. Pe power kitni de rakhi aapko? Minus 1. Chike? And then it is written minus of 1 by 4. Pe kitni power hai hamare paas? Ye bhi aapko de rakhi hai minus 1. And the whole expression pe aapki power hai minus ka 1. Now what do you have to do? यहाँ आपको इसको सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को आप सॉल्व करोगे. सो व्हाट डू यू हैव टू डू, यहाँ पे 1 बाय 3 पे पावर माइनस 1 है, टर्म का रेसिप्रोकल कर दो, इट विल बी 3 पे पावर 1 माइनस ऑफ 1 बाय 4 पे पावर माइनस 1 है, तो ये आपका 4 बाय 1 पे पावर माइनस 1 मीन्स 4 बाय 1 पे पावर 1 हो जाएगी. सिंपल टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया और होल पावर है माइनस 1. So, यहाँ पे क्या किया, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 पे पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन माइनस 1 पे पावर माइनस 1, सॉरी 1 हो जाएगा क्योंकि हमने टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया. सो व्हाट यू विल गेट हियर, 1 अपॉन माइनस 1 पे पावर 1 और आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1 ही हो जाएगा.
ठीक है, तो आंसर आपका सेम ही आ जाएगा। सेकेंड हाफ देखो यहाँ पे, सेकेंड आपको दे रखा है 5/8 to the power -7, 5/8 to the power -7 मल्टीप्लाई विथ 8/5 to the power -4। नाउ द बेटर अप्रोच इज व्हाट, कि आप इसे एक्सपैंड कर दो एंड देन यू कैंसिल आउट द टर्म्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स को पावर को आप पॉजिटिव बना लो, सो व्हाट यू हैव टू डू, पावर पॉजिटिव करने के लिए टर्म का रेसिप्रोकल इट विल बी 8/5 to the power 7 इंटू 5/8 to the power 4। अब हमारी जो पावर्स है वो पॉजिटिव हो चुकी है, नाउ यू जस्ट ओपन द ब्रैकेट और सिंप्लीफाई कर दो, 8 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the one method. The another method is what? You need to just break the values. किस तरीके से powers में से break कर दोगे? इसे लिख सकते हो 8/7/5/7 × 5/4/8/4। Now question थोड़ा सा easy सा दिख रहा है हम लोगों को। अब power power जो आपको same दिख रही है उसे हम arrange करके लिख देंगे। It will be 8/7/8/4 × 5/4/5/7 like this. Now what you need to do here? You need to just अब apply करना है हमें law को apply करना है, तो it will be 8/7 − 4 × 5/4 − 7। directly मैंने apply कर दिया आपके law को, तो अब क्या हो जाएगा, 8/7 में से 4 गया 3 बचा, तो 8/3 × 5/4 ये कितना हो जाएगा, 4 − 7 is − 3। then again negative power आ रही है, तो आपको इसको convert कर दीजिए, so it will be 8/3 कितना हो जाएगा आपका, 8 × 8 = 64 एंड 64 × 8 कितना होता है आपका, 512 × 1/5 पे पावर 3, सो ये आपका कितना हो जाएगा, 512/125। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा एक्सपेंड करके एंड यू विल गेट योर रिजल्ट लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 7, यू नीड टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन सेज 25 × t^−4/5 × −3 × 10 × 10 t^−8, वेयर t इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आपको गिवन है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज 25 को यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ 5 की पावर में, मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, यू कैन राइट इट लाइक दिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अगेन एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, पावर नेगेटिव होती है, तो आपकी ये जो पावर्स है आप इसे रीशफल कर सकते हैं, मींस योर डिनोमिनेटर शुड बिकम योर न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर शुड बिकम योर डिनोमिनेटर। ऊपर नीचे रीशफल कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, t^8 ऊपर आ जाएगा और मेरा जो t^4 है वो नीचे आ जाएगा, वैल्यूज पॉजिटिव करने के लिए। एंड मल्टीप्लाई विथ 10, अगेन ये पावर नेगेटिव है, ये मैं ऊपर ले जा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5/3। इतनी बात समझ आती है आप लोगों को, कुछ नहीं किया, पावर्स को रीशफल किया, नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में आ गई, अगर न्यूमरेटर में थी और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे कर दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ यू जस्ट सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर ही 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, बेसिस सेम, पावर 8 हो जाएगी, तो इट विल बी 2+3 × t^8। देखिए यहाँ पर 8 है अपॉन 4 है, सो यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स डिवाइड हो रही है, तो आप माइनस कर दोगे 8 − 4 अपॉन दिस 10, 10 कैन बी रिटन एज 5 × 2। कैसे लिख सकते हो, 5/1 or 2/1, नाउ यू प्लीज सॉल्व दिस, दिस विल बिकम 5/5 बिकॉज 2+3 = 5 हो गया आपका, × t^8 − 4 = 4 हो जाएगा अपॉन योर 5 × 2। सो अगेन यू नीड टू सॉल्व दिस वैल्यू, यहां पर इसे भी आप सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट 5/5 − 1 × t^4/2, सो दिस विल बिकम 5/4/2 × t^4। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/4 = 625/2 t^4। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू योर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पे, सेकेंड हमें क्या लिख रखा है यहाँ पे,
Now your second part is what? Second part says 3 to the power minus 5 into 10 k power minus 5 into 125 upon 5 k power minus 7 into 6 k power minus 5. Now again reshuffle the values. कुछ नहीं करना. Negative ऊपर है तो नीचे ले आना, नीचे है तो ऊपर ले जाना. Now see, ये negative है, ये negative है, ये denominator में लाती मैं. ठीक है, तो ये मेरा denominator में आ गया 3 k power 5 into 10 k power 5. Okay? दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव में ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी. सो दिस विल बिकम 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5 एंड 125 कैन बी रिटन एज 5 की पावर की टर्म्स में लिखोगे तो 5 की पावर 3 के टर्म्स में आप 125 को स्प्लिट कर सकते हो. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंप्लीफाई करने से पहले जो जो आपको दिख रहा है उसे एक्सपांड कर दो. सो इन दिस वे यू नीड टू जस्ट क्लब द वैल्यूज. 5 की पावर आपको दिख रही है यहाँ पे 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगी. 7 प्लस 3 इंटू 6 की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 पे होल पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 5, 10 की पावर 5 पे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 2 इंटू 5 होल पावर 5. नाउ अब इसे एक एक करके यहाँ पे आप सॉल्व करोगे किस तरीके से. दिस विल बिकम योर 5 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 5 एज इट इज मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 ठीक है एंड इंटू 5 की पावर 5. नाउ जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं कैंसिल हो रही है, उन्हें कैंसिल कर दीजिए एंड जो बच रहा है उसे सॉल्व करके लिख देंगे हम लोग. सो है 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो गया. नाउ व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर, यहाँ पे हमारा क्या बच गया, यहाँ पे हमारा 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5 व्हिच इज इक्वल टू अगेन योर बेस इज सेम, पावर्स डिवाइड हो रही है मीन सब्ट्रैक्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. सो 10 माइनस 5 व्हिच इज इक्वल टू 5 की पावर 5 एंड व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा आपका, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो and your answer should be 5 5s are 25 25 5s are 125 125 5s are 625 and 625 5s are 3 1 2 5. ये आपका आंसर हो जाएगा. सो इसी के साथ दोस्तों हमारी ये जो एक्सरसाइज है यहीं पर एंड होती है. मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ. एक्सरसाइज नेक्स्ट जो होगी हमारी 12.2 के साथ. सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जितना हो सके मैक्सिमम उसे शेयर करते रहें. वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड और जो भी चीजें मैं डालूंगी उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेंगी. सो मिलते हैं एक नए वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.